गाइस, जनरली आपने ये चीज़ तो बिल्कुल देखी होगी कि जब भी मार्केट में कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो एक्सेसरीज काफ़ी लिमिटेड हमें देखने को मिलती हैं। तो आज ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M32 का एक बैक केस कवर, और इसके भी काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ कवर्स हमें बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन कवर है और वन ऑफ द बेस्ट मैं इसे कहना चाहूँगा। अगर आप काफ़ी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखिए, एक छोटा सा अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का ये कवर है। सो गाइज, ये है बिल्कुल इसका बैक केस कवर और फ्लिपकार्ट की ये पैकेजिंग है। जल्दी से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिली है इसकी बिलिंग, इसको हम रखते हैं साइड में, और दूसरी साइड है हमारे पास हमारा ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का कवर। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये एक फ्लिपकार्ट अश्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब स्पेशली फ्लिपकार्ट की तरफ से ही डिलीवर किए जाते हैं और इनमें भरोसा मिलता है और काफ़ी अच्छे वारंटी वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, जिस तरह से अमेजोन में सोलिमो हमें देखने को मिलता है तो उस तरह से फ्लिपकार्ट का अपना स्मार्ट बाई है। अब इस तरह की पैकेजिंग है, 499 प्राइस MRP लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल देखोगे तो ये है हमारे गैलेक्सी M32 का कवर। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग आई हुई है और काफ़ी अच्छी पैकिंग लगी मुझे, और डबल पैकिंग थी क्योंकि पहले एक रैपर में लिपटा हुआ था, उसके बाद दूसरी पैकेजिंग ये, और तीसरा हमें इस प्लास्टर के अंदर ये लिपटा हुआ देखने को मिलता है। तो पॉक करता हूँ और अपने इससे बाहर निकालता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और फोम हमें देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छी बात है, काफ़ी क्वालिटी का ख्याल फ्लिपकार्ट में बिल्कुल रखा हुआ। तो ये है दोस्तों हमारा सैमसंग गैलेक्सी M32 का एक कवर और S स्टाइल ये कवर है। इस तरह से आपको ये बिल्कुल देखने को मिल जाता है, कटिंग भी काफ़ी अच्छी है और फ्लैश लाइट के लिए भी देखने को मिल जाता है, साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका भी सपोर्ट यहाँ पर है, साथ ही जो बटन्स हैं वो भी हैं, नॉइस कैंसिलेशन का माइक है, उसका होल भी आपको देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही जो नीचे के पोर्ट्स हैं वो भी सारे हैं। तो इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा प्लास्टिक और रबड़ी सी मुझे फीलिंग आ रही है, तो हाँ कुछ इस तरह का मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक या रबड़ जैसा फील ये मटेरियल हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी जल्दी से मैं अपने गैलेक्सी M32 में आपको इसे फिट करके बताता हूँ। आगे अपने गैलेक्सी M32 को, और ये है इसका कवर। जल्दी से इसकी फिटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैंने इस तरह से इसे फिट कर दिया बिल्कुल, और तो आप यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे काफ़ी बेहतरीन लुक दोस्तों लग रही है, और बिल्कुल इस तरह की लुक जो हमें बिल्कुल इसकी देखने को मिल गई है। तो कुछ इस तरह की है जो फिटिंग्स है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल प्रॉपर हैं, और जो पोर्ट्स हैं वो भी एकदम प्रॉपर हैं। तो अगर इस तरह से भी ये स्मार्टफोन आपका नीचे गिर जाएगा तो इसके जो ऊपर के ये कॉर्नर्स हैं, या आप कह सकते हो कि लिप्स हैं इसके, ये ऊपर से राउंडेड हैं थोड़े से, तो अगर ये गिरेगा तो प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही जो कैमरा की प्रोटेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो मतलब अगर इस तरह से गिरेगा तो कैमरा का जो आपका लेंस है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल दोस्तों ये एक मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट लगा, और एक काफ़ी ब्रांडेड सोर्स से भी आया, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई से। तो मेरी आपको आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर 200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस प्राइस पे ये काफी अच्छा है। और आजकल जनरली आपने ये चीज देखी होगी कि 150-200 से कम तो हमें कोई भी कवर नहीं मिलते हैं, तो बिल्कुल ये वर्थ इट है, और मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। बाकी और एक्सेसरीज की वीडियोज में बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूं, कल या परसों मैं इसके टेम्पर्ड ग्लास की भी वीडियोस डाल दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ, मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।